नमस्कार मित्रों, कल हमने देखा कि कैसे भारत के गृह मंत्री ने दोबारा ठीक चुनाव के पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई को और बड़ा करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, यहां पर हिंदू आतंकवादियों को पैदा किया जाता है। मित्रों, अभी तक जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी या फिर चिदंबरम ने पहले कभी आतंकवाद का नाम किसी धर्म या जाति से जोड़ा था, तब दोनों ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। भारत के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद कहकर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का सीधे सीधे अपमान किया है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और चेतावनी देते हैं कि आज हमने जयपुर में गृहमंत्री के खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेंट की है। 24 घंटे के अंदर अगर ओवैसी वाली धाराओं में सुशील कुमार शिंदे जी के ऊपर मामले दर्ज नहीं होते हैं, तो संपूर्ण भारत में हर थाने में भारत के गृह मंत्री को जाना होगा और अपनी जमानत करानी होगी। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल क्यों? एक सेकंड। हाँ, ओरिजिनल पे फोटो लगा दो ना। हाँ, छड़ी रोड़े वो उस टाइम तो आए तो ऐसे ठीक है सर। मैं जाता है ना अपने पास है। अब जाता तो तुम जरूरत है जो हमारी लड़ाई हो आपसे। आपसे लड़ाई नहीं है तो जाते क्या जरूरत है? आप लिख लो एफआईआर। कोई 5 मिनट का काम नहीं हमारे थाने में। ओरिजिनल क्या है? एफआईआर लिख लो थाने में। हाँ जी, मैं कमिश्नर भेजेंगे ना। हाँ, तो अशोक नगर में हमारी भावनाओं का हाथ यहाँ, मैंने यहाँ अखबार पढ़ा, मेरी भावनाओं का हाथ यहाँ हुआ मैं।
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो सर कल ही आज पहुँच गई थी कल। सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ यहाँ दर्ज करा रहा हूँ। क्षेत्र अधिकार आपका क्षेत्र अधिकार आपका नहीं, आप लिख देना नहीं। ये तो मैं साल में किसी का भी क्षेत्र अधिकार हो कोई भी दर्ज करेगा, ये तो कमिश्नर आप दर्ज करेंगे। आपका क्षेत्र अधिकार नहीं है तो आप लिख दो, ये तो आप जीरो पे दर्ज कर ले यार। नहीं आप जीरो पे दर्ज कर ले, जीरो पे कर ले, आप जीरो पे दर्ज कर ले, आप जीरो पे दर्ज कर ले। ये तो आपके स्टेट में आ गए, हिंदू समाज की रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट रेलवे को दर्ज करा सकता है। रिपोर्ट ले लिया जो दर्ज करके काम किया, जिस प्रकार से ओबीसी ने गाली दी हिंदू समाज को पूरे को, उसी प्रकार से उन्होंने गाली दी है, उसी श्रेणी में आता है। ये यहाँ के आपके क्षेत्र के नागरिक ने किए, मैंने इसीलिए तो राजेश कुमार से कराई, मैंने नहीं कराई, मैं कर देता। उसकी आपको मैंने रिसिप्ट की कॉपी दे दी है, वो ओरिजिनल मैंने रख ली है। और आपको कॉपी कब मिलेगी? हम कॉपी दे रहा है, एफआईआर की कॉपी कब मिलेगी? कॉपी अगर ऊपर से अगर आदेश आएंगे तो हम आपको दे देंगे। नहीं नहीं, सारी सारी एफआईआर ऊपर के आदेश दर्ज करते हैं आप तो अपनी तरफ से कर लो इसको, आप रजिस्टर कर ही सकते हैं। आप कमिश्नर साहब को फरमा दें कि छोटा मसला नहीं है, ये एक थाने में आए, ये सब थाने में जाएंगे, इसलिए बेहतर ही है कि वो इसको दर्ज करके कल हम इंटीमेट कर देंगे। वो तो कोर्ट से कर सकते हैं, बिना नंबर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में करेंगे दर्ज। नहीं दर्ज क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सर नहीं, सर बिना नंबर ही दर्ज कर सकता है अध्यक्ष ने लीगल सेल किया। आपको दर्ज करनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। जिद मत करो सर, आप जिद क्या आया आपके? ठीक है, आप केस को बढ़ रहे हैं, इसलिए तो बढ़ रहे हैं कि आप जांच के अंदर ही 5 दिन लगा देते हो, कहते जांच करके फिर हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। ये बिना नंबर दर्ज कर लेंगे, बाद में फिर भिजवा देंगे जांच में, जांच में रख लेना। आपका क्या दिक्कत आ रही है दर्ज होने के बाद में? सारे कानून मेरे ऊपर ही मत लगाओ, कानून वाली बात नहीं है। आपके रिसीव कर लिए मैंने, मैं आपने आप तो इसकी जो इश्यू है इसकी ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी से कमिश्नर साहब को अवगत करा देना। और ये एक थाने में हुआ, ये सब थानों में होगा। यदि एफआईआर नहीं होगी तो फिर हम कमिश्नर कल फिर हम आएंगे। 24 घंटे के अंदर कमिश्नर।